का भी दिल बहुत बार टूटा है, बार बार टूटा है, हर बार टूटा है, लेकिन ये फिर भी दिल लगाना नहीं छोड़ते। पोएट्री और ह्यूमर के मलम से अपना दिल जोड़ लेते हैं। प्लीज वेलकम द कॉमेडी किंग रजत सूद। नमस्ते। नमस्ते, 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 आदाब, आदाब, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। अरुण सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर आप दिल्ली से हैं? बिल्कुल, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि दिल्ली में कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा। जैसे मैंने अभी एक ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा भैया पुरानी दिल्ली छोड़ दोगे? कह रहा हम क्यों छोड़े, हमारा पुश्तैनी मकान है वहां पर, बाहर निकल जाएंगे किराया तुम्हारा बाप देगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब मुझे छोड़ दोगे? कह रहा तुमसे हमारा रिश्ता ही क्या है, जाओ छोड़ दिया। धन्यवाद विनेश भाई, आपकी जिंदगी में ऐना वही किरदार निभा रही है जो मेरी जिंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड निभा रही थी। क्योंकि ऐना भी इनकी बेइज्जती ही कर रही है और ये उस बेइज्जती से पैसा कमा रहे हैं। शेखर सर मुझे बस फक्र इस बात पर है कि हमने कम से कम इंसान से बेइज्जती करवाई है। ये बच्चों के खिलौने से ही करवाए जा रहे हैं। पर आपने एक चीज देखी, हर गली में ना एक अंकल ऐसे रहते हैं जो ना किसी की कामयाबी से खुश नहीं है। हमारी गली के वो अंकल थे गुप्ता अंकल। तो जैसे हमारे मेरा एक दोस्त था, वो पायलट बन गया, पायलट। तो उससे आके कह रहे हैं देखो इतना हवा में उड़ना अच्छा नहीं, जितना जल्दी जमीन पे आ जाओ उतना अच्छा है। उसकी दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी, उसने अहमदाबाद में लैंड करा दी। कह रहा अंकल आप खुश रहो, आपके चुल बहुत ज्यादा है। और मैम गुप्ता अंकल ना ऐसे पूरा दिन बालकनी में खड़े रहते हैं। सामने एक आंटी रहती है शोभा आंटी, ये पूरा दिन उन्हें चाय पर बुला रहे। शोभा जी आओ कभी चाय पी। शोभा जी, शोभा शोभा, शोभा शोभा, शोभा जी, शोभा जी आओ कभी, आओ कभी चाय पे। अंकल इतने भरे बैठे, मुझे लगता है किस दिन शोभा आंटी ने गलती से हाँ कर दी तो ये बालकनी से ही खींच लेंगे। कह रहे यहाँ बैठो तुम, बहुत देर कर दी आने में, चाय पियो, कहाँ थी है बच्चे। सर कई बार तो शोभा आंटी ने घबरा के पूछा ये चाय पर बुला रहा है या हवेली पर। पूरे हर बार अलग बहाने से बुलाते हैं कि आ जाओ आ जाओ, दूध उबल गया। एक दिन तो हद ही कर दी, कह रही शोभा जी आ जाओ आ जाओ, शोभा जी ने स्माइल पास की, इन्होंने चाय चढ़ा दी। एक दिन हमने अंकल को समझाया, हमने कहा अंकल जी अगर शोभा आंटी के हस्बैंड को पता लग गया। अच्छा आंटी का हस्बैंड भी है। वो आपकी ऐसी प्याली भरेंगे जिंदगी भर केतली गर्म नहीं हो पाएगी। तब जाके अंकल थोड़ा रुके। तो मैंने तब पूरा शेर लिखा था कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती। क्या बात, कभी कभी इरादे नेक हो तो औलाद भी बनती। उस पर भी आएंगे सर, आपका तजुर्बा ज्यादा लग रहा है। पर मैम आपने एक चीज देखी कि हिंदुस्तान में ना पीने वाले बहुत ज्यादा बदनाम है। क्योंकि हर परिवार में एक मामा थे जो पीकर बर्बाद हुए। हर परिवार में एक मामा थे और घर वाले आज तक उन्हीं का एग्जांपल दे रहे हैं। मैं मैम हल्का सा ऐसे यहाँ से ग्लास उठाता हूँ ना, मेरी मम्मी इधर से आ जाती है, कहती बताया था ना मामा बर्बाद हुए थे। वो करने ही नहीं दे रहे कभी भी। और मम्मी ने बताती भी ऐसी है कि बेटे तेरा मामा ना शराब को पानी समझता था। पानी, मैंने कहा कैसे? सुबह उठ के शराब से धो रहे थे। ये कौन सा बंदा था जो लोटा लेकर कह रहा था चीयर्स? सड़क पर कर रहा है तो उसे ऑन द रॉक्स कह रहा है। बॉटम्स अप की जगह बॉटम्स डाउन मार रहा है। तो मैंने मम्मी से पूछा कैसे, तो मम्मी कहती नहीं बेटे वो ना रोज पीता था,
सुबह उठते ही गुटुर 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 गुटुर, फिर शाम में भी गुटुर 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 गुटुर, फिर रात में भी गुटुर गुटुर बुड़ुक। मैंने कहा ये बुड़ुक क्या है? कहती बेटी वो पीते पीते नाली में गिर जाता। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद, किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती है। जिंदाबाद। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में ना हर कोई अपने हिसाब से ज्ञान दे रहा है। सबने देख रखा है, जैसे सर बॉलीवुड ने हमें शुरुआत से गुमराह किया। अच्छा? कोई भी रोमांटिक सीन आता था तो हीरो हीरोइन के ना चेहरे पर फूल आ जाते थे। और थोड़ी देर फूल करते थे गुल्लू 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 गुल्लू, और फिर गुल्लू गुल्लू करने के बाद घर में एक छोटा मेहमान आ जाता था। सर मैं छोटा था तो मुझे लगता था फूलों के मिलने से ही बच्चे होते हैं। और मैम हम ना तीन भाई बहन थे, मुझे घर में और भीड़ नहीं चाहिए थी, तो मैंने डिसाइड किया मैं घर में और बच्चे नहीं होने दूंगा। मेरी बहन तो कह रही थी कि नहीं नहीं भैया लूडो खेलेंगे, एक और आने दो। मैंने कहा नाइफ। मैंने कहा तू दो कोटी से खेल लियो। बच्चा और नहीं आएगा इस घर में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, छत पे जाके सारे पौधे अलग अलग रखे। मैंने कहा कोई सा फूल मिलने ना पाए। सब वो तो मुझे जिंदगी के कई सालों बाद पता लगा कि मैं छत पर फूल मिलने से रोक रहा था और कलियां कहीं और ही खिल रही थी। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत रंग रलिया भी, रंग रलिया भी। तो तब मैं शेखर सर की बात से जोड़कर अगला शेर कहता हूँ कि बताते हैं सभी कैसे भला इंसान बनना है, बताते ही नहीं कैसे भला औलाद बनती है। इरादे नेक हो तो जिंदगी औलाद बनती है। Rajat, you're so charming, and that is why you have the star material, the star power. और ये स्टार पावर हमको चाहिए हमारे इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज आप जितना चमक रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप एंड प्रे दैट यू विल चमकोफाई इवन मोर इन द फाइनल्स। तुम साधारण प्रतिभा नहीं, एक तो तुम्हारी पर्सनालिटी जो है वो बहुत इंडियरिंग है। थैंक यू सो मच। वो ये कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है, जिस तरह से तुम खड़े होते हो, बोलते हो, इट्स वेरी लवेबल। तो मेरे लिए यू आर अ हीरो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जो इसने अंकल का जिक्र किया तो मुझे जब 15 साल पहले एक लड़की ने जब मुझे अंकल कहा दिल दुखा। ओए हो, तब मुझे पता लगा कि किसी महिला को आंटी कहने पे कितना कष्ट होता होगा। दूसरा आपने कहा कि दिल्ली वाले उल्टे जवाब देते हैं। देखो लोग जवाब उल्टे देते हैं, लोगों के सवाल उल्टे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना है जी, मैं दिल्ली में शॉपिंग मॉल में पत्नी को लेके गया तो एक दोस्त मिल गया। बोले हो भाभी जी को शॉपिंग कराने लाए हो? मैं कहा ना, पल्स पोलियो को ड्रॉप पिलवाऊंगा। For a spectacular, very different, very engaging and intelligent performance. Thank you so much. आप कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तोप हो। Fantastic. Congratulations, Rajat Sood. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.